खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रार बढ़ गई है। अलग अलग महिलाओं के यौन शोषण और 2500 से ज्यादा अश्लील क्लिप मिलने के बाद रेवन्ना बुरी तरह से घिर गए हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं रेवन्ना को उनकी पार्टी जेडीएस ने सस्पेंड कर दिया है, जबकि गिरफ्तारी से बचने के लिए रेवन्ना पहले ही देश छोड़कर जर्मनी भाग चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर वो इस मामले में दोषी साबित हो जाते हैं तो फिर उन्हें कितनी सजा मिल सकती है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले कर्नाटक में एक सेक्स स्कैंडल पर कोहरा मच गया है। ये मामला पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा हुआ है। देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर मेड के यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है, जिसमे 2500 से ज्यादा रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो है। अब जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस ने कार्रवाई करते हुए रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद सियासत में भूचाल आ गया। गुवाहाटी में आज गृह मंत्री अमित शाह से जेडीएस नेता के अश्लील वीडियो पर सवाल किया गया तो अमित शाह का जवाब था कि मातृशक्ति का अपमान बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन साथ ही ये भी सवाल किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना है, परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। क्योंकि देवेगौड़ा की पार्टी लोकसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी है, इसीलिए कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है, जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। घर में काम करने वाली एक 70 साल की बूढ़ी, उसका वीडियो बनाया, उसमें पुलिस में कोई ऑफिसर है उसका वीडियो, कोई टीवी के एंकर है उनका वीडियो, कोई गवर्नमेंट के ट्रांसफर के लिए आए आप उनका वीडियो बना लिए, 2000 वीडियो उसके, ये उम्मीदवार इसने अपने वीडियो बनाए, यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आप बताइए उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे। नेता तेजस्वी यादव ने भी रेवन्ना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ठीकरा कर्नाटक सरकार पर फोड़ दिया। लगभग 2500 महिलाओं के साथ शोषण का आरोप लगा है, जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है। इनके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी प्रचार में गए हुए थे और वो जो है अब फरार पाए जाते हैं, पता चलता कि विदेश चले गए, तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है इनका विकास का क्या मॉडल है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है, और क्यों कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की हाथ पे हाथ धर के बैठी रही? क्या आपसी तालमेल था, क्या मजबूरियां थी, तो कांग्रेस को बताना है भाई। इसका उत्तर कांग्रेस को देना है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी रही, जब एक गंभीर आरोप एक राजनीतिक व्यक्ति पर वहां पर लगा तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की, कैसे विदेश जाने दिया, क्यों कदम नहीं उठाए? इससे पता चलता है कांग्रेस केवल राजनीति करना चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं।
दरअसल दूसरे चरण में 26 अप्रैल को कर्नाटक में 14 सीटों की वोटिंग से ठीक पहले सांसद प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो वायरल हुए हैं। फिर मेड ने आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल मेड के यौन शोषण के मामले में रेवन्ना के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। SIT का गठन कर मामले की तफ्तीश हो रही है। प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते दोषी पाए जाते हैं तो फिर उन्हें कितनी सजा हो सकती है। उसमें IPC की धारा 354A, 354D, 506, 509 लगाई गई है। IPC की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, जिसमें दोषी पाए जाने के बाद शख्स को अधिकतम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं रेवन्ना के खिलाफ धारा 354D भी लगाई गई है, जिसका मतलब गलत नियत से किसी महिला का पीछा करना होता है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है, जबकि IPC की धारा 506 आपराधिक धमकी देना के तहत उन्हें अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है, और धारा 509 के तहत किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में उन्हें अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। अब वायरल वीडियो और यौन शोषण का मुद्दा कर्नाटक की सियासत में गूंज रहा है। चुनावी माहौल में विपक्षी दलों का हमला तेज होता जा रहा है, जिससे BJP और JDS की भारी किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।